प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 2000 रुपए की आठवीं किस्त ट्रांसफर की। करीब 19,000 करोड़ रुपए की ये राशि 11 करोड़ किसानों के खाते में सीधे गई। बंगाल के 7 लाख किसानों को पहली बार इस योजना के तहत पैसे मिले हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि 100 साल बाद कोरोना जैसी भीषण महामारी हमारी परीक्षा ले रही है, इसलिए वैक्सीन लगने के बाद लापरवाह नहीं होना है, बल्कि मास्क और 2 गज की दूरी बनाए रखना है। भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत का खुलासा हो गया है। भारत में वैक्सीन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी डॉक्टर रेड्डीज के मुताबिक स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 948 रुपये होगी और इस पर 5% GST लगेगा, यानी स्पुतनिक वैक्सीन की कीमत 995 रुपये होगी। डॉक्टर रेड्डीज का कहना है कि जब वैक्सीन की लोकल सप्लाई शुरू होगी तो कीमत और कम हो सकती है। सॉफ्ट लॉन्च के तहत आज हैदराबाद में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज दी गई। डॉक्टर रेड्डीज के एक अधिकारी दीपक सापरा को भारत में स्पुतनिक वैक्सीन की पहली डोज लगी। आम लोगों को अगले हफ्ते से ये वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगी। देश में कोरोना की रफ्तार में थोड़ी कमी देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,43,144 नए केसेज आए हैं, यानी कल के मुकाबले करीब 20,000 कम मरीज। वहीं 24 घंटे में कोरोना से 4,000 लोगों की मौत हुई है, जबकि कल ये आंकड़ा 4,120 था। 24 घंटे के दौरान 3,44,776 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया। इस तरह भारत में अब कोरोना के एक्टिव केस 37,04,893 हैं। कोरोना को लेकर अच्छी खबर दिल्ली से भी है। यहाँ 24 घंटे में कोरोना के करीब 8,500 केसेज आए हैं और संक्रमण दर घटकर 12% पहुंच गई है। ABP News आपको रखे आगे।